हेलो एवरीवन मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हो पर तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस सीरीज इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल जे एंड जे के एस एस बी एग्ज़ाम्स लाइक पी डब्ल एफ डब्ल्यू जूनियर असिस्टेंट वी एल डब्ल्यू एंड अपकमिंग जे के एस एस बी एग्ज़ाम्स आने वाले जितने भी जे के एस एस बी एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरियस बेनिफिशियल होगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या है हमारा हाँ हिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर पहले हम हिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर को पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू को पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिगार्डिंग सो लेट्स स्टार्ट द सेशन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री सोर्सेज में हम देखते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं मतलब क्या क्या साधन है हमारे पास जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है पहली बुक है हमारे पास मिलती है नीलमत पुराना जिनके ऑथर कौन है अभी तक हमें ऑथर का ही नहीं पता बड़ी पुरानी बुक है ये एंशियंट टाइम की बुक है और उनके बाद फेमस बुक है राजतरंगनी जिनके ऑथर का नाम है कलहाना और ये एक ऐसी मेजर बुक है जिसके ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी कुछ और बुक्स का जिक्र है जो हम आगे लेक्चर में पढ़ लेंगे सो स्टार्ट नीलमत पुराना की बात करें निलमत पुराना अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है कश्मीर का और राजतरंगनी एरा से पहले की बुक है ये राजतरंगनी बुक से पहले की बुक है ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक इस बुक के अकॉर्डिंग जो नागास औरिजिनल इन्ेबिटेड थे कश्मीर वैली में कश्मीर वैली में सबसे पहले नागास प्रजाति के लोग रहते थे और नीलमत पुराना बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो वैली है ना वैली पहले ह्यूज लेक थी और लेक का नाम था सतीसर लेक मतलब बड़ी सारी एक लेक हुआ करती थी वैली नहीं थी वो मतलब घाटी नहीं थी उसके आस पास माउंटेन थे बड़े बड़े और वहाँ पर ना कुछ लोग रहते थे और लेक के अंदर एक डैमन रहता था डैमन का नाम है जलोदोबा डैमन मीन्स राक्षस जलोदोबा नाम का एक राक्षस रहता था और जो क्या करता था टॉर्चर करता था लोगों को जो आस पास माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर लोग रहते थे उनको टॉर्चर करता था और लोग बड़े सफरिंग थे उनसे और उसके बाद एक संत आते हैं कश्यप ऋषि जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं वहाँ से बचाते हैं वो क्या करते हैं वो संत कट कर देते हैं माउंटेन को बारामूला से बारामूला के पास से एक माउंटेन को कट करते हैं जिसकी वजह से लेक का जो वाटर होता है वो सारा बाहर निकल जाता है और लेक वाज ड्रेंड और नदी सूख जाती है नदी उस समय सूख गई जैसे ही नदी सूख गई तो जो हमारा राक्षस था वो किल हो गया राक्षस मर गया और लोगों ने कश्यपमर उस वैली का नाम रखा कश्यप मर और कश्यपपुरा इनफैक्ट वो जो कश्मीर वर्ड है वो कहाँ से बना है डिसेंट फ्रॉम वाटर वाटर से सूख जो जगह बनी उस वहाँ से बना था कश्मीर वर्ड तो का का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट ये निलमत पुराना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है एक बार फिर से देखते हैं नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग नागाज प्रजाति के लोग सबसे पहले वहाँ पर रहते थे कश्मीर वैली में और जो कश्मीर वैली है वो कश्मीर वैली ना होकर वहाँ पर एक लेक थी सतीसर नाम की एक लेक थी और उस लेक में एक राक्षस रहता था बोवा नाम का और वो आस पास पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को बड़ा टॉर्चर करता था तंग करता था दुखी करता था तो वहाँ पे एक ऋषि आते हैं संत आते हैं कश्यप ऋषि वो क्या करते हैं वारामूला के पास से माउंटेन को कट कर देते हैं जैसे वो कट करते हैं नदी का पानी बाहर निकल जाता है और नदी सूख जाती है नदी सूखने के कारण वहाँ पे एक वैली बन जाती है और उस वैली का नाम लोग रखते हैं कश्यप या कश्यपपुरा और कश्यपमर का मतलब होता है डेसीगेट फ्रॉम वाटर का मीन्स वाटर और शमीरा मीन्स टू डेसिकेट नेक्स्ट बुक है राजतरंगनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये कश्मीर हिस्ट्री का कलहाना पंडित जी ने ये लिखी है और फर्स्ट हिस्टोरिकन थे जिन्होंने ये बुक लिखी है कलहाना को कल्हाना जी ने राज को कंप्लीट किया 1149 से फिफ्टी एडी के दौरान और उस समय जय का रीजन था जय एक राजा है किंग है उनका शासन था उनके टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया राज को रिवर राफ किंग्स भी कहा जाता है और इस बुक में महाभारत से लेकर संगरमा देवा के टाइम का जिक्र है राज को स्टार्टिंग में संस्कृत में लिखा गया और बाद में इनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया मुल्ला अहमद ने ये याद रखना ये की पॉइंट्स आप नोट कर लो नोटबुक पर और इन्होंने सुल्तान जैन अब्दिन के पीरियड के दौरान इसको ट्रांसलेट किया संस्कृत से पर्शियन में ईस्टीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने राज तरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1900 में और जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बुरजा नाम की एक फर्स्ट न्योलिथिक साइट है जो डिस्कवर हुई थी कश्मीर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है जेके एस के एग्जाम्स में कि फर्स्ट न्योलिथिक साइट जो कश्मीर में दिखी गई उनका नाम क्या था बुरजा और ये लोकेटेड थी डल लेक और जबरवन हिल के बीच में तवारीखा कश्मीर नाम की बुक है जिनके ऑथर है मालिक हैदर इन्होंने लिखी है यूसुफ चक शाह के कोर्ट में ठीक है उन 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 यूसुफ चक चाह का उस समय रीज़न था जब ये बुक लिखी गई 1617 सेवनटीन में ये बुक लिखी है वाक़त आए कश्मीर ये बुक रिटर्न है लिखी है ख्वाजा मोहम्मद अजम कौल ने 1748 फोटी में लिखी है ये बुक इसमें काफ़ी लिटरेरी अचीवमेंट्स वगैरह और अंडर मुगल के इसमें ये ज़िक्र है इस बुक में और उसके आगे देखते हैं तोारीखा है हसन हसन से हसन याद रखना पीर हसन शाह ने ये बुक लिखी है और पर्शियन वर्क्स के बारे में इसमें जिक्र है ठीक है और ये बुक अर्लीस्ट टाइम से नाइनटीन सेंचुरी के जिक्र इस बुक में है अगर इस बुक को हम पढ़ें तो मुख्तसर तारीख़ाई कश्मीर ये बुक लिखी है पंडित बिरबल कुचरू ने एटीन थर्टी फाइव में ये बुक लिखी थी मुगल्स अफ़गान और सिख का जब रूल था कश्मीर में तो उसके बारे में इसमें बुक में लिखा हुआ है जफ़रनामा बुक है उद्दीन यादरी ने ये बुक लिखी हुई है सुल्तान और सिकंदर अली के रिलेशनशिप के बारे में इसमें अच्छा खासा जिक्र है तारिक आय ये बुक है मिर्जा हैदर दौलत ने बुक लिखी हुई है और उसके बाद कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर हैं ह्योंग तसांग और ओंग कोल जे चाइनीज़ ट्रैवल कश्मीर में आए थे इनके बारे में आप काफ़ी जिक्र है आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर में कॉन्टिन्यू करेंगे तारक़ हिंद अलब्रूनी ने बुक लिखी है वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने बुक लिखी है याद रखने के लिए वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस लॉरेंस ने वैली ऑफ कश्मीर की बुक लिखी है लैंड ऑफ लामा लैंड ऑफ लामा की बुक लिखी है अलेक्जेंडर कनिंगम ने तो याद रखने के लिए अलेक्जेंडर कनिंग कनिंगम ने यह बुक लिखी है लैंड ऑफ लामाज इसमें हिस्ट्री जोग्राफी और कल्चर ऑफ लद्दाख के बारे में काफ़ी अच्छा जिक्र है अभी हम स्टार्ट करते हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर महाभारत टाइम के पीरियड के दौरान अगर बात करें तो इन राजरंगनी राजंगनी में, में कलहाना ने कहा हुआ है कि जो कश्मीर की हिस्ट्री है उनके जो फर्स्ट किंग थे गोंडा फर्स्ट थे जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है उनके बाद गुंडा सेकेंड आते हैं और उनके बाद पैंतीस ऐसे किंग्स आते हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ इस काफ़ी ज़्यादा जिक्र नहीं है हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन से किंग आए थे वो तो सही हिस्ट्री स्टार्ट होती है मोरे अम्पायर से ग्रेट मोरे अम्पायर अशोका इनके एम्पायर थे रूलर थे कश्मीर के उस समय मौर्य अम्पायर के फर्स्ट रूलर अशोका ने फाउंड की पुरानी सिटी जिनका जिसको अभी पंद्रेथन नाम से जाना जाता है उसका पुराना नाम था पुरान नाम से उन्होंने एक सिटी बनाई अशोका जी ने ठीक है ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में काफ़ी बार आया हुआ है कि अशोका ने जो सिटी बनाई उसका नाम क्या था अशोका ने बड़े सारे शिवा के टेम्पल्स और व्रजेश्वर मॉडर्न बनाए टेम्पल्स बनाए।, बनाए उसके बाद आगे देखते हैं अशोका की डेथ के बाद जलुका उनका बेटा उन्होंने गद्दी संभाल ली और जलुका बड़े सारे अच्छे अच्छे किंग थे उन्होंने क्या किया फ़ॉरनर को फॉरन ट्राइब से मलिशियंस उनको बाहर निकाला वैली से क्लियर की वैली उन्होंने जलुका ने क्या किया सक्सीड किया अपने सन को किंग दामोर सेकंड वन बैठा जलुका के डेथ के बाद किंग दामर सेकंड बैठा और दामोदर जो श्रीनगर का भी प्रेजेंट एयरपोर्ट है ना वो दामोदर करीबा में स्थित है मतलब किंग दामोर सेकंड के नाम पे ही श्रीनगर का अभी एयरपोर्ट है उसके उनके बाद आता है कुशन अम्पायर मतलब अलग अलग ये डायनेस्टीज रूल कर रही हैं प्रजातियाँ है, रूल कर रही हैं जैसे पहले मौर्य अम्पायर ने शासन किया जैसे मौर्य अम्पायर डिक्लाइन हुआ उनके खत्म होने के बाद कुशन अम्पायर आ गए तो आफ्टर द मौर्य कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय क्वेश्चन मौर्य के बाद जो कश्मीर है उन्होंने उनको ऑक्युपाई कर लिया उनके ऊपर राज करने लगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन के तीन ग्रेट किंग थे खुशका जुशिका कनिश्का और इन्होंने अपने अपने नाम पे ना टोन्स बनाए हुशकपुरा जुशकपुरा और कनिष्कपुरा ये टोन्स नाम बनाए उन्होंने और इन इन्होंने क्या किया काफ़ी सारे टेम्पल्स और विहार्स बनाए और फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसल कनिश्का में और कुंडलग्राम कनिश्का में एट कुंडलग्राम नाम की जगह में कुशन अम्पायर के दौरान देखी गई और यह कश्मीर में ही जगह है और प्रेजेंट डे हरवान प्रेजेंट डे हरवान नियर शालीमार्ग गार्डन के पास से जगह है अभी की अगर हम बात करें तो वहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल देखेंगे काफी बार हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट कब हुई कहां हुई थी सॉरी और किंग्स पीरियड के दौरान हुई थी क्वेश्चन अंपायर के दौरान हुई थी और यही एक कौंसिल थी जिसके दौरान बुद्धिज्म डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में महायान और हिनायान में बड़े बार रिपीट हुआ क्वेश्चन की पॉइंट्स हैं नोट कर लो उसके बाद कुछ नोट है करके जब इंडिया पर गुप्ता रूल कर रहे थे उस समय कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट था जैसे ही गुप्ता का डिक्लाइन हुआ कश्मीर हन्नस के कैप्चर में आ गया हन्नस ने हुन्ना के नाम की प्रजाति थी उन्होंने कब्जा कर लिया कश्मीर के ऊपर और जो फर्स्ट हुन्ना के रूलर थे वो मिहिर गुल्ला थे ये नाम याद रखना बस कभी पूछ सकते हैं इन केस उनके बाद आता है करकोटा डायनेस्टी करकोटा डायनेस्टी को नागा सी कहा जाता है मैंने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो कश्मीर वैली में जो सतीसर लेक थे और वहाँ पे जो रहते थे लोग उन उन ट्राइब्स का नाम था नागास ये वहीं है करकोटा डायनेस्टी के और इनके जो करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया दुल्भवर्धन जी ने 1625 से 1661 सिक्सटी में दुल्वर्धन के टाइम चाइनीज पिलग्रीम ह्यूंग तसांग विजिट किए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ओंग कुंग और ह्यूंग तसांग इन्होंने क्या किया था विजिट किया था एक मिनट जहाँ से हम देखते हैं ऊपर कहाँ गया हाँ ह्यूंग तसांग और ओंग कुंग ठीक है ये दो चाइनीज़ पिलग्रिम थे यात्री थे जिन्होंने क्या किया, किया, किया कि कश्मीर में ट्रैवल किया था और कश्मीर में कुछ देर के लिए रहे थे वो तो यहाँ पर अभी जिक्र है यहाँ पे आगे करकोटा डायनेस्टी के दौरान करकोटा डायनेस्टी में दुल्लभ वर्धन जी के दौरान ह्योंग तसांग विजिट करते हैं कश्मीर में और ये कहाँ से आते हैं बारामूला से आते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ से वो आए बारामूला से आए उन्होंने एक ह्यूज स्टोन गेट रखा फाउंड किया और उसके साथ साथ ही उन्होंने दो साल वो यहाँ पर रहे उन्होंने स्टडी किया संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्ट के बारे में स्टडी किया उन्होंने काफ़ी दुलभवर्धन जी वाज सक्सीडेड बाय प्रताप आदित्य दुलभवर्धन जी के बाद प्रताप आदित्य जी आए ठीक है उन्होंने अपने ही नाम से टोन बनाया प्रतापपुरा जिसको अभी तापर नाम से जाना जाता है श्रीनगर में ग्रेटेस्ट रूलर है करकोटा डायनेस्टी के ललित दत्ता मुकुटपीडा क्वेश्चन बड़ी बार आ सकता है कि हु इज द हु वाज द ग्रेटर रूलर ऑफ करकोटा डाइनेसटी ललित दत्त मुक्त बीडा क्यों उन्होंने थर्टी सिक्स ईयर रूल किया ललित दत्ता मुक्त बीड़ा के बारे में कुछ और एक लाइन है यहाँ पे हम देख लेते हैं हाँ ही समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको और इन्होंने क्या किया समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ पर कब्जा कर लिया था पंजाब कन्नोज तिब्बत लद्दाख ईरान बिहार एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे एरियाज पे उन्होंने कब्जा किया था और उसके बाद इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनको चानुक्या राम था उनके कमांडर इन चीफ का पूछ सकते हैं आगे okay. उन्होंने क्या कहा एक श्राइन बनाई उन्होंने कैपिटल बनाई नियर श्राइन ऑफ खीर भवानी खीर भवानी की श्राइन थी खीर भवानी बाबा की श्राइन थी उनके पास उन्होंने कैपिटल बनाई जिनका नाम था परिहासपुरा परहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है उनको बाबा भुट्टी वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललिता दत्ता दत्ता के टाइम के जो कोर्ट पॉइंट थे जो कविताएं वगैरह लिखते थे बाबा भुट्टी नाम थे उनका तो ललिता दत्ता की डेथ के बाद काफ़ी सारे रूलर्स आए वो सारे वीक रूलर्स थे काफ़ी कमजोर रूलर थे और हिस्ट्री ऑफ करकोटा डाइनेस्टी आफ्टर जयपिदा जयपिदा नाम के एक रूलर थे उनके बाद लास्ट रूलर थे उनके बाद करकोटा डाइनेस्टी की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी वीक है और डिक्लाइन 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 वो ख़त्म ही होती गई तो उसके साथ साथ हम हाँ यहाँ पर आगे एक लाइन लिखी है यहाँ पे करकोटा डेस्ट ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड एंशियट हिस्ट्री में करकोटा डानेस्टी को ग्लोरियस और रिमार्केबल पीरियड कहा जाता है मतलब काफ़ी अच्छा पीरियड रहा और पी सी राय जी ने कहा है कि नेवर बिफोर द करकोटा पीरियड हैड कश्मीर परफॉर्म ए सच ए फीट एंड नॉर वाज ए एवल ऑफ़ फ्यूचर कहता जो जो कारनामे करकोटा डाइनेस्टीन जी ने के टाइम हो गए जो किया उन्होंने और वो ना तो इससे पहले कभी हुआ था और ना ही फ्यूचर में होने की कोई ऐसी संभावना थी तो इसके साथ ही एंशेंट हिस्ट्री हमारी खत्म हो गई है अभी मेडिबिकल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में सो तो इसके साथ ही थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ सभी को